कोटा शहर में लॉकडाउन की पालना करवाने के नाम पर कई स्थानों पर पुलिसकर्मी मनमानी कर रहे हैं, लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं। ऐसा ही मामला भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में सहकारी उपभोक्ता भंडार का सामने आया है। यहां दो पुलिसकर्मियों ने कर्मचारी नीरज के साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि भंडार के बाहर गाड़ियां देखकर पुलिसकर्मियों ने कर्मचारी को बाहर बुलाया और डंडों से उसकी पिटाई कर दी। ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले की जानकारी उपभोक्ता भंडार चेयरमैन हरिकृष्ण बिरला को लगी तो उन्होंने नाराजगी जताई है। इसके तुरंत बाद ही कर्मचारियों ने भंडार को बंद कर दिया। थाना भीमगंज मंडी सीआई को इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है। उपभोक्ता भंडार के सीईओ सुभागमल ने बताया कि इस तरीके से कर्मचारी के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भंडार के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। तब तक उपभोक्ता भंडार बंद करने का निर्णय लिया है। इधर क्या हुआ था घटना? आज सुबह जब किसी ने हमारे नीरज अंदर व्यवस्था संभाल रहे थे, कोई कर्मचारी हमारे बाहर, बताया गया कि कोई पुलिस का आला अधिकारी आए, उच्च अधिकारी आए, उनको द्वारा इसको बुलाया गया। इसने पूछा गया, इसको बोला कि व्यवस्था में समय यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, तो इसने बताया कि व्यवस्था हो रही है, बराबर कर रहे हैं, और इतने लोग भी नहीं थे उस समय, तो मौजूद नहीं थे यहाँ पर, इतनी भीड़ भी नहीं थी। जिस प्रकार उन्होंने इससे बिना पूछे हाथ आगे करने को कहा और उसको मारना शुरू कर दिया डंडे से, और जिससे इसके चोट आई है, इसके पैर में भी लगी है, इसके कलाई में लगी है। और अब निर्णय आगे हम जिससे हमारे पूरा समस्त भंडार कर्मचारियों में रोष है, हम इस प्रकार अगर मार हम इस आपदाई घड़ी में विपत्ति घड़ी के अंदर तो लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं, यहाँ की मारपीट करने के लिए तो कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता, इस असमर्थ है। आपने थानाधिकारी को इसकी सूचना दी? थानाधिकारी को मैंने फ़ोन पर सूचना दे दी थी, हमने मेरे GM को सूचना दे दी थी, हमारे चेयरमैन साहब को सूचना दे दी थी मैंने इस बात की। उनका क्या कहना है? उनका भी कहना हमारे पर, उनने निर्णय छोड़ा है भंडार कर्मचारियों पर, और भंडार कर्मचारियों समस्त भंडार कर्मचारियों को पूरी तरह रोष है इस घटना को लेकर, जिस प्रकार उसके बाद बेवजह मार पिटाई की गई बिना कारण। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे हम इसके लिए अभी ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं, आगे भी SP साहब को भी हम ज्ञापन देंगे, ताकि जिस प्रकार मारपीट के लिए या तो उचित कार्रवाई हो या इस प्रकार का खेद व्यक्त किया जाए। नाम बताइए। अभिषेक संगी।